सभी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, ठीक है क्या? शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले तो अनुपात समानुपात क्या होता है, जैसे ए अनुपात बी, इधर देखना, अगर हमारे पास ए अनुपात बी 5:7 है, देखो सबसे पहले तो दो बातें आप समझना, इधर देखो चिंटू, ए अनुपात बी 5:7 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा बी कितना है बताओ, 5:7। ये बात और ये बात एक ही है पहली बात तो, ठीक है क्या? दूसरी बात, मतलब इसको अनुपात को बटे में लिखा जा सकता है, यानी ए का मान तो कितना हो गया बताओ 5 और बी का मान कितना हो गया 7, ठीक है क्या? अनुपात को बटे में लिखा जा सकता है। दूसरी बात समझना, अनुपात दिखाता है हिस्से को, किसको दिखाता है, शेयर को। जैसे अगर यहाँ पर ए के हिस्से की बात करें तो ए का हिस्सा कितना है बताओ 5, कितने में से, 7 में से नहीं 12 में, 5, 7, 12 में से, यानी ए तो है कितना, ए जो है वो 12 में से कितना है 5, और बी है वो 12 में से कितना है बताओ 7। ये होता है रेशियो का मतलब, हिस्से का मतलब है, रेशियो दिखाता है आपके शेयर को, अनुपात दिखाता है किसको, हिस्से को, ठीक है क्या? अब और देखते हैं रेशियो में क्या होता है। कई बार एक चिन्ह नॉन लगा रहता है, जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इसका क्या मतलब है? जैसे इधर देखो, इधर देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2:3 समानुपात, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 8, सुनो तो डी की जगह पे कितना आएगा बताओ, समानुपात का मतलब देखो, समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है, जो अनुपात यहाँ पर 2:3 है ना, तो यहाँ पर भी अनुपात कितना आना चाहिए बताओ 2:3, यानी दोनों तरफ अनुपात है वो क्या होना चाहिए, समान। समानुपात दिखाता है समान अनुपात, समान अनुपात। ये 2 का 1.5 गुना है तो ये 8 का 1.5 गुना होता है 12, और इसी बात को हम जब निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला लेते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी अगर हम 8 × 3 करें तो कितना होगा 24, बराबर 2 × x मान लेते हैं या 2 × d मान लेते हैं, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 12। क्लियर है क्या? इस तरीके से हम अनुपात समानुपात की वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले तो बेसिक से देखो एक बार, ए अनुपात बी बराबर 4:5 है और बी अनुपात सी 6:7 है, तब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, पहला तो ये समझते हैं, ठीक है क्या? कैसे निकालेंगे बताओ, कुछ नहीं करना, हमें क्या चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी कितना है बताओ, तो आप क्या करोगे 4:5 लिख दोगे इसको, क्लियर है? ए के नीचे लिखेंगे ए और बी के नीचे लिखेंगे बी, उसी प्रकार बी अनुपात सी कितना है बताओ, तो 6:7 इसको लिख देंगे। अब जगह कितनी बच गई, जो जगह बच गई उसमें देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर रिपीट हो जाएगा कौन 5, यानी जो बगल में रहता है वो रिपीट हो जाता है, ठीक है क्या? तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 6 × 5 = 30 और 7 × 5 = 35, यही है क्या? चलो एक क्वेश्चन आप लोग लिखो फिर, ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर 11:12, तब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? नहीं फॉर्मूला लगाए थे वो कैसे किया है मैंने, हाँ मतलब ये था कि 10% खर्च हो गया तो 90 बचा, और 15 और शेष का 15% और गया तो 85% गया तो 15 बचा, तो बराबर 405 है ना फॉर्मूला। डायरेक्ट कैसे करोगे, 100 मान के भी कर सकते हो, अच्छा
हाँ इसी से कर लो, है ना। भाई ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी निकालना है। ए अनुपात भी कितना है बताओ, एक अनुपात दो, ठीक है। इस दो को ही रिपीट कर दो दोनों जगह पर, ठीक है। बी अनुपात सी कितना है बताओ, तीन अनुपात चार, चार को इधर और तीन को इधर। सी अनुपात दी ग्यारह अनुपात बारह, ये हो जाएगा ग्यारह ती तैतीस, ग्यारह ती तैतीस दूने छियासठ, चवालीस दूने अठासी और बारह चौके अड़तालीस, अड़तालीस दूने छियानवे, ये अनुपात आ जाएगा। क्लियर है, ये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रही है। चलो लिखो जल्दी से। अब देखो, एक तो मध्यानुपाती, एक तृतीयानुपाती, एक चतुर्थानुपाती, ये कैसे पूछते, हाँ ये पूछा जाता है। एक तो होता है मध्यानुपाती, एक होता है तृतीयानुपाती और एक होता है चतुर्थानुपाती। इंग्लिश में मिड रेशियो ऐसा कुछ होता है। अरे मध्य का अनुपात आपको ज्ञात करना है, मिड रेशियो ज्ञात करना है, ऐसे समझ लो। अब तीन एग्जांपल लेते हैं, उनसे करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास दे रखा है 16.9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। पहला निकालो 16 और 9 का, ना निकालो, मैं नहीं आता तो निकालने की कोशिश करूँ ना, ऐसे ही। अरे अनुपात बताया तो था, समानुपात वाला कॉन्सेप्ट। मध्यानुपाती मान लेते हैं एक्स, समझना, ठीक है। हम मान लेते हैं क्या, माना मध्यानुपाती क्या है एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, 16 अनुपात एक्स, समानुपात एक्स, अनुपात 9, मध्य में एक्स रहना चाहिए, मध्यानुपाती का मतलब ये। क्लियर है क्या? अब क्या करना है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल आंसर आ जाएगा, निकालो जल्दी से, ठीक है। बारह आ गया ना, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहां से आ गया फॉर्मूला, भी याद रख सकते हो, मध्यानुपाती बराबर होता है एक्स बराबर रूट ए बी। हाँ जी, हाँ जी, क्या तुम जाने क्या पूछ रहे हो, तीनों बराबर कैसे हो सकते हैं। हाँ ऐसे नहीं होता, ये फॉर्मूला है। अगर ये तो 16 और 9 है, इसका तो करके बता देता हूँ मैं, ठीक है। बताओ एक्स स्क्वायर बराबर मध्य पदों का गुणनफल बराबर क्या हो गया, बाह्य पदों का गुणनफल 16 इंटू 9, तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट 16 इंटू 9। 16 का कितना होता है बताओ 4 और 9 का कितना होता है 3, आंसर आ जाएगा 12। तो यहाँ से आगे अगर आपको ये याद रखना है कि जैसे मान लो ए और बी का मध्यानुपाती कितना होगा, ए कोमा बी का मध्यानुपाती बताओ, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप क्या करोगे बताओ, ए कोमा ए अनुपात एक्स, समानुपात एक्स, अनुपात बी, मध्य पदों का गुणनफल हो गया एक्स स्क्वायर, बाह्य पदों का गुणनफल हो गया ए बी, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताओ रूट ए बी, ये आ गया क्या। तो आगे से आप जब भी कर रहे हो मध्यानुपात आपको निकालना है तो क्या करना है, डायरेक्ट एक्स बराबर रूट, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली 16 में 144 करके इसका रूट ले सकते थे, ठीक है क्या।
सेकंड अगर मैं बोलूं कि 16:9 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो, निकालो। सोलह कोमा नौ का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। माध्यानुपाती के लिए तो हम क्या करते हैं, रूट निकाल देते हैं। सॉरी, हालत है नहीं पढ़ाने की। करो करो करो, ली तो थी यार, पर टेबलेट का क्या बनता है? क्या चल रहा है? कोरोना हो रहा था, अपने को नहीं हो। सोलह कोमा नौ का तृतीय अनुपात बताना है, कैसे बताएंगे बताओ? हैं, नहीं आ रहा? देखो इधर, देखो भाई, तो देखो 16:9 समानुपात 9 अनुपात x, क्लियर है? ये क्या किया हमने, जो सेकंड नंबर पर था ना उसको रिपीट कर दिया, 16:9:9, क्योंकि तृतीय अनुपाती का मतलब होता है चौथा अनुपात। तृतीय अनुपाती का मतलब होता है चौथा अनुपात, एक्चुअल में चौथा अनुपात पूछना चाह रहा है। हाँ, तो आप क्या करोगे, 16:9:9 करके और x ऐसे लिख लोगे, ठीक है? बताओ मध्य पदों का गुणनफल कितना हो गया, दोनों में 81, ये हो गया 16x, तो x बराबर हो जाएगा 81/16, क्लियर है? चतुर्थानुपाती में आपको तीन संख्याएं दी गई होंगी, तृतीयानुपाती का निकाले क्या फॉर्मूला, देखो लिखो a, b का तृतीयानुपाती, a, b का तृतीयानुपाती, आज तो स्टूडेंट हरकत में आ गए एकदम, सब मास्क वास्क लगा के रेडी हैं। सही है बच लो, हैं? अच्छा a, b का तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, इधर देखो, अरे इधर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी ax बराबर कितना हो जाएगा बताओ, बी स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में a। तो हमने सवाल क्या पूछा था बताओ, सवाल ये था क्या, 16:9 का क्या बोला था हमने, जैसे अभी मान लो एक और सवाल ले लेते हैं, 18:8 का तृतीय अनुपाती, तो आपके लिए b क्या हो गया बताओ, 8, तो b का स्क्वायर हो गया 64 आंसर आ गया 64/18, b का स्क्वायर बटा a कर देंगे, ठीक है क्या, यानी जो दूसरे नंबर पे उसका स्क्वायर करो और a का भाग लगा दो। चतुर्थानुपाती सबसे सीधा है, सीधा ही है, पढ़ लो, मुझे ऐसे लग रहा है तुम्हारी नैया जल्दी से डूबेगी, पढ़ लो पढ़ लो, क्या 7, 5 और 14 या 10 का चतुर्थानुपाती, ये सीधा क्यों है बताए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को दिमाग ही नहीं लगाना, तीन संख्याएं दे रखी हैं, चौथी वाली पूछी गई है, बस कुछ नहीं करना, इनका अनुपात बना दो, 7:5 समानुपात 10:x, और ये तो हमेशा लागू होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, आप रीजनिंग के सवाल करते हो उनमें भी ये चलता है, ठीक है क्या, ये हो जाएगा 50/7x, तो x बराबर 50/7, हाँ किसका, चतुर्थ अनुपात का मतलब होता है वो तीन रेशियो दे के रखेगा आपको, समझ गए, तीन संख्याएं दे के रखेगा तब चौथा अनुपात पूछेगा, जैसे मान लो तुम
अब मैं कहूँ कि तुम दो लोग हो कि चौथा खाएं, चौथा थोड़ी पूछूंगा, पहले तीसरा पूछूंगा ना। अगर तीन है मेरे पास तब मैं चौथे की बात करूंगा। आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो उसका चतुर्था अनुपात नहीं निकलेगा, फिर उसका तृतीय अनुपात निकलेगा, ठीक है? बोलने का तरीका गलत हो जाएगा, क्लियर है? क्या गोली? हाँ गोली मैं लेके आया था यार, असर ही नहीं करी। आप 3 दिन तक असर नहीं करेगी ना, और 3 दिन तक हम वेट नहीं कर सकते। क्या ठीक है, ये तो क्वेश्चन कैसे हो गए जो बिना लैंग्वेज के आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, ठीक है? अब लैंग्वेज के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? लिखो, ए कॉमा बी कॉमा सी की आयु का अनुपात 4:5:6 है तथा बी की आयु 15 वर्ष है, तब ए तथा सी की कुल आयु बताओ। ए तथा सी की कुल आयु ज्ञात करो। ए तथा सी की कुल आयु ज्ञात करो जल्दी से। नहीं ये कॉन्सेप्ट चलो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे इसको। कितनी आ गई? अरे कुल ए तथा सी की कुल जोड़ना है उसको, 12, 18, 30। देखो अनुपात कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, इधर देखना। बी की आयु कितनी है बताओ, बी का रेशियो कितना है बताओ, 5। तो आपको ये देखना है कि 5 यूनिट का मान कितना है, 15। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3, ठीक है? अब हमें चाहिए कितने का बताओ, 6 और 4, 10 का चाहिए क्या? 10 यूनिट का, तो 10 से इधर गुणा कर दो, 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 और इधर 30, ये कितना हो जाएगा, 30। यही आंसर है, क्लियर है क्या? यानी 1 यूनिट का मान निकाल लो, फिर 10 यूनिट का मान चाहिए तो इधर भी 10 से गुणा और इधर भी 10 से गुणा, क्लियर है? सेकंड तरीका क्या हो सकता है, अनुपात देखो जो भी किसका मान दे रखा है बताओ, बी का, तो बी का मान 15 वर्ष दिया गया है क्या, तो 15 के नीचे तो वो अनुपात जिसका मान दे रखा है बताओ, क्या अनुपात दिया हुआ है, 5। और कुल कितना हो गया बताओ, ए और सी 6 और 4, 10। तो जिसका मान पूछा है उसका गुणा करते हैं, 5 दूने 5 दिए 15 और 3 दाए 30, ये भी आ जाएगा, ठीक है क्या? किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, लिखो ए और बी की आय का अनुपात 47:44 है। यदि ए की आय 2100 रुपये अधिक है तब बी की आय ज्ञात करो, तब बी की आय ज्ञात करो। कहाँ पे जुकाम नहीं है, उससे गायब हो जाता है, उससे गायब हो जाएगा।
नहीं उससे नहीं होता। भाई जिनसे नहीं निकला वो देखना अंतर। देखो अधिक का मतलब होता है कम, या अधिक का मतलब क्या होता है बताओ? कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। मैथ में कहीं भी लिखा हुआ है कम या अधिक, इसका मतलब क्या होता है? अंतर। अब इन दोनों का अंतर कितना है अनुपातों का बताओ? तीन। 47 और 44 का अंतर कितना है? तीन। तो हमारे लिए 2100 कितने का मान है बताओ? तीन का। और हमें मान किसका चाहिए बताओ? जिसका भी मान चाहिए उससे गुणा कर लेंगे। मान चाहिए बी का यानी 44 का मान चाहिए। 3 7 21 और 44 करेंगे देखो 7 6 28 7 6 28 और 2 30 30 800। क्लियर है क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। ए तथा, अरे लिखो, ए तथा बी की आयु का सॉरी ए तथा बी की लिखो, ए तथा बी की, ए लिखो लिखो ए कोमा बी कोमा सी, तीनों लिखो। एक क्वेश्चन और कराए उसके बाद चलेंगे। ए कोमा बी कोमा सी की कुल आयु, एक सौ सैंतालीस वर्ष है, 147। हाँ हाँ। तथा उनकी आयु का अनुपात 1:2:3, 1:2:3 है। तो बी की आयु ज्ञात करो, 1:2:3, तब बी की आयु ज्ञात करो। अब तो चलने दो, कोई कोई देखेगा उसके, है ना, बस एकदम ऐसे छींक वगैरह होती है ना, हिल जाता है वो, कोई वीडियो देख रहा है लीड लगा के और एकदम से छींक हो जाए हिल जाएगा। इधर देखो जो पहली बार पढ़ रहे हैं, टोटल देखो कुल आयु कितनी है, 147 है क्या? कुल के नीचे कुल लिखेंगे, 1:2:3, देखो 3 और 2 5 5 और 1 6। और हमें जो मान चाहिए वो किसका चाहिए बताओ? बी का चाहिए क्या? 2 का मान चाहिए, इसका मतलब 2 3 6 चौके 12 और 3 9 27 49 ईयर्स। क्लियर है? चलो तो इसका मतलब ये है कि हम करते क्या है अनुपात के अंदर, अगर वो अंतर की बोल रहा है तो अनुपातों में अंतर कर लो, कुल की बोल रहा है तो आप अंतर मतलब अनुपातों का कुल करके उसके नीचे लिख दो। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेते हैं, लिखो। लिखो ए अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:4 है तथा खर्च का अनुपात 7:8 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 12,000 रुपये की बचत करता है तब एक ही आयु ज्ञात करो, एक ही आय ज्ञात करो।
क्या अनुपात है? खर्चे तो ज़्यादा हैं, खैर अनुपात है, लेकिन भाई एक चीज बताऊं आपको, ये 3:4 का मतलब 3:4 नहीं है, ये जब संख्या बनेगी तो इसमें कोई भी एक कॉमन मल्टीपल का गुणा होगा। हो सकता है वो कॉमन मल्टीपल बहुत बड़ा हो और यहाँ पर हो सकता है 3 से गुणा हो रहा हो और यहाँ पर 1 से गुणा हो रहा हो। तो ये 3 3 9 3 4 12, 9:12 बड़ा हो गया, 7 और 8 छोटा हो गया। तो ये कभी मत देखना कि ये अनुपात पर्टिकुलर हिस्सा है, ए का 7 में से 3 और बी का 7 में से 4, और यहाँ पर 15 में से ए का कितना है 7, 15 में से 8 है ना। तो ये अलग अलग चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये नहीं है आमदनी अठन्नी रुपया खर्चा, ऐसा नहीं है, वही डालते हैं। हाँ ऐसे ही करते हैं वो, कल उनके प्रमोशन वाला नहीं था। बाद 7 के बाद अरे भाई आया क्या किसी का आंसर? देखो आय कितनी है बताओ। देखो आय का अनुपात है 3:4, खर्च कितना है बताओ 7:8। तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पर देखो अंतर कितने का है, और यहाँ पर भी अंतर कितने का है 4, और जो भी अंतर है आय और खर्च का जो अंतर होता है वो क्या होता है, बचत होती है क्या? यानी ये आ जाएगी बचत 1 बराबर हो जाएगी कितनी 3000। क्लियर है? तो हमें किसका मान चाहिए ए का, 3 3 9000 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ए की आय हो जाएगी 9000 और बी की हो जाएगी 3 4 12000। 7 में नहीं रख सकते। हाँ ये बात भी सही है, अनुपात उल्टा लिख गया, इसका मतलब ये आय का अनुपात 7:8 लिख लो। सात अनुपात आठ और 3:4 अब कर लो, 7 21000। ठीक है, कहना ये खाते हैं कि खर्चा ज़्यादा हो गया और बचत हुई कम, ऐसा हो नहीं सकता। आय से ज़्यादा बचा सकते हो क्या? क्या अरे तो पार्ट टाइम का कहाँ जोड़ा गया है यहाँ पे? क्या ये तो तब है जब अंतर क्या है बताओ, समान है। यहाँ पर भी 3 और 4 7 का अंतर था, यहाँ पर भी 3 और 4 4 और 4 8 का है ना। अगर अंतर समान नहीं है तब कैसे करेंगे वो देखते हैं, ये तो स्टूडेंट कर लेते हैं। ठीक है, 4 7 कितना 3 4 7 21 और बी की आय हो जाएगी 28000। ठीक है, ये क्या इनकी बचत कितनी हो रही है बताओ, 4 4 3 12। हाँ तो इसकी भी 4 और इसकी भी 4, तभी तो प्रत्येक 12000, ये भी 12000 बचा रहा है, ये भी 12000, 4 यूनिट का मान 12000 है ना। रुको रुको बताने पूछने दो, सही है ना। जैसे ये भी तो 12000 ही बचा रहा है, तो इसकी 4 यूनिट का मान भी 12 है, इसकी भी 4 यूनिट का मान 12 है, तो इसकी 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3000। यहाँ पे पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन लिखो। अरे तफरी करवाया हुआ, अगला क्वेश्चन करें क्या? क्वेश्चन मिटा रहा हूं। क्या यदि ए तथा बी की
आय का अनुपात छः अनुपात सात है तथा खर्च का अनुपात तीन अनुपात पाँच है। प्रत्येक यानी ए तथा बी प्रत्येक 2000 रुपये बचाता है। तब उनकी आय ज्ञात करो। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बोलो। हाँ अब की बार अनुपात बराबर नहीं आएगा है ना, क्या करो क्योंकि इस बार गैप बराबर नहीं है ना। हाँ क्या कितनी देखो चिंटू इसको तो बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो।